सीताराम, जो लोग ग्रह बाधा से पीड़ित हैं या ऐसा कोई ग्रह है जो उनकी कुंडली में उनको दुष्परिणाम दे रहा है, जिसके कारण वो व्यक्ति बहुत चिंतित रहता है, रात्रि में सो नहीं पाता है, उसके जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियाँ और बाधाओं ने उसको घेर रखा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए यहाँ पर एक बहुत ही सरल और प्रभावशाली प्रयोग बताने जा रहा हूँ। ये प्रयोग आपकी कैसी भी समस्या होगी उस समस्या को दूर करेगा। साथ ही साथ ये प्रयोग सबसे बड़ा कार्य ये करता है कि आपकी जो धन की समस्या है, चाहे वो धन की किसी भी प्रकार की समस्या हो, कर्ज की समस्या हो, लेन देन की समस्या हो, किसी ने पैसा लिया है वापस नहीं दे रहा है, आमदनी नहीं हो रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी में दिक्कतें आती हैं, पैसा घर में आता है मगर टिकता नहीं है, बार बार धन की हानि होती है, धन का नुकसान होता है, इस प्रकार की कोई भी बाधा है, कोई भी परेशानी है, उस परेशानी से मुक्त होने के लिए एक बहुत ही सरल और प्रभावशाली प्रयोग है ये। साथ ही साथ आपकी कैसी भी ग्रह बाधा है, कोई भी ग्रह अनुकूल है या प्रतिकूल है, जो प्रतिकूल ग्रह है उसको ये अनुकूल बनाने का कार्य करता है। करना क्या है कि रविवार के दिन आपको ये प्रयोग करना है। रविवार के दिन सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच का जो समय होता है उस समय आपको ये प्रयोग कर देना है, मतलब कि सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे के बीच में ये प्रयोग आपको किसी भी संजोग में कर लेना है। आपको क्या करना है, एक नारियल का सूखा गोला लेना है। अगर आप कोई दुकान पे जाएंगे, किराने की दुकान पे जाएंगे, नारियल का सूखा गोला मांगेंगे, तो वो सूखा गोला, जिसको कोपरा भी बोलते हैं, वो नारियल का कोपरा पूरा दे देगा आपको। ऐसा आपको पूरा एक गोला लाना है, उस गोले को लेकर घर आइए। घर आने के बाद याद रखिए कि ये जो समग्र प्रक्रिया है वो स्नान करके करनी है, और ये समग्र प्रक्रिया आपको अकेले को नहीं करनी है, परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन सभी सदस्यों को इस प्रक्रिया में भाग लेना है। तो व्यवस्था ये करिए कि परिवार के सभी लोग स्नान करके तैयार रहे, सुबह 7 बजे 8 बजे या जब भी आपको अनुकूल समय हो, शाम के 5 बजे से पहले 6 बजे से पहले जो भी अनुकूल समय है उस समय नारियल का सूखा गोला बाजार से ले आइए। ले आने के बाद आपको क्या करना है, चाकू की मदद से उस गोले में एक छोटा सा छेद छेद करना है, एक इतना छोटा छेद करना है कि उसमें आराम से आप कुछ सामग्री डाल सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि परिवार के प्रत्येक सदस्य को उस गोले के अंदर एक मुट्ठी या कम से कम आधा मुट्ठी या एक मुट्ठी चीनी का बुरादा, जो चीनी होती है उसका जो बुरादा होता है, उसका जो पाउडर होता है, वो पाउडर उसके अंदर डालना है। यदि आपको चीनी का बुरादा नहीं डालना है, चीनी का पाउडर नहीं डालना है, तो उसकी जगह आप पंचमेवे का पाउडर, पंचमेवे हैं उसको पीस कर उसका पाउडर बना लीजिए। उस पाउडर को या पंचमेवे के छोटे छोटे टुकड़े करके उन टुकड़ों को उस गोले के अंदर परिवार के प्रत्येक सदस्य को थोड़ा थोड़ा डालकर उस गोले को भर देना है। जब ये गोला भर जाता है तब घर के परिवार, आपका जो परिवार है उसमें जो कोई भी एक पुरुष सदस्य जो बड़ा हो उसको क्या करना है कि उस नारियल के गोले को लेकर जाना है। किसी के पीपल का जो गधा भरावदार पेड़ होता है, जो बहुत बड़ा होता है, विशाल पेड़ होता है, ऐसा कोई पीपल का पेड़ चुन लीजिए, ऐसा कोई बड़ का पेड़ चुन लीजिए, ऐसे पीपल या बड़ का पेड़ जिसके अंदर बहुत ज़्यादा छाव रहती है, छाया जिसकी ज़्यादा हो, जहाँ ज़्यादा सूर्य का प्रकाश ना आता हो, ऐसे बरावदार पीपल के पेड़ के जो मूल हैं उसके मूल के पास में कहीं पर भी एक खड्डा करिए और वहाँ पर उस गोले को इस प्रकार के रखिए कि जिससे केवल जो आपने छेद किया है वो छेद वाला भाग ऊपर थोड़ा दिखाई दे। इस प्रकार से गड्ढा करके उसमें वो गोला डालिए और मिट्टी डाल दीजिए।
छेद वाला भाग ऊपर दिखाई देना चाहिए, पूरा उसको जमीन के अंदर नहीं डाल देना है। याद रखना कि जो छेद वाला भाग है थोड़ा ऊपर रहे, उस प्रकार से आपको उसको डाल देना है। इस प्रयोग के दरमियान आपने जो पंचमेवे लिए हैं या पंचमेवे का जो पाउडर लिया है या चीनी का जो बुरादा लिया है, वो अगर आपने जितना लिया है उसमें से कुछ बचता है तो आपको क्या करना है, वो भी साथ में लेकर जाना है और वहाँ गोले के आसपास चारों तरफ डाल देना है, जिससे चींटियाँ आकर्षित होकर उस गोले के पास आ जाए और गोले को खाने लगे। कोई कुत्ता, कोई बिल्ली या फिर कोई पशु पक्षी उस गोले को निकाल ना ले, उसके लिए आपको क्या करना है कि कोई पत्थर ऐसा उसके आसपास रख देना है जिससे गोले का मुख खुला रहे और कोई उस चीज़ को निकाल ना पाए। इस तरह से आसपास रख देना है जिससे छोटी छोटी चींटियाँ ही अंदर जा पाए, दूसरा कोई ना जा पाए ना निकाल पाए। इतना कार्य कर दीजिए और घर वापस आ जाइए। ये प्रयोग करना तो एक बार है, मगर इसके जो परिणाम हैं बहुत ही अच्छे हैं। इसके माध्यम से आपका जो प्रतिकूल ग्रह है वो भी आपको अनुकूल होगा, जो चिंता का वातावरण आपके ऊपर बना हुआ है, जो दिक्कतें, जो परेशानियां आपके जीवन में चल रही हैं, उस परेशानियों से मुक्त होने का मार्ग आपको अवश्य मिलेगा। उसी के साथ धन से संबंधित जो मैंने समस्याएं बताई हैं उसमें से कोई भी समस्या आपके जीवन में है तो उस समस्या से बाहर निकलने का मार्ग मिलेगा। परिवार के प्रत्येक सदस्य को मिलकर ये प्रयोग करना है। जब ये प्रयोग आप करते हो उस समय सभी व्यक्तियों को अपने इष्ट देवता से, अपने कुल देवता से, माँ भगवती लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में जो परेशानियाँ चल रही हैं, जो कष्ट और मुसीबतें हैं वो दूर करिए, हमारे परिवार में सुख शांति और समृद्धि बढ़े ऐसी कृपा करिए, हमारे घर में समृद्धि बढ़े, ऐसी सभी लोग मिलकर प्रार्थना करते हुए ये कार्य करिए। इसका बहुत ही सटीक और उचित परिणाम मिलता है। एक बार प्रयोग करने के बाद यदि अनुकूल वातावरण नहीं बनता है तो एक महीने के बाद फिर से ये प्रयोग करिए। कम से कम महीने छः तक लगातार हर महीने एक बार ये प्रयोग अवश्य करिए, आप बहुत ही अच्छे और शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। माँ भगवती की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। हमारी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, चैनल को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को आपके रिश्तेदार, आपके जो मित्र हैं, आपके जो ग्रुप्स हैं वहाँ पर शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल पर जुड़े। हमारे माध्यम से यदि किसी व्यक्ति को ये ज्ञान प्राप्त होता है और इसका कल्याण होता है तो ये माँ भगवती की तरफ से एक आशीर्वाद ही है हमारे ऊपर कि जो हम ये कार्य कर रहे हैं। सीताराम।